अच्छा, आज स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था किसको, यानी कि आपको याद होगा शायद सैन ऑफ सीटा को। अब सैन ऑफ सीटा के बाद हमारे पास फोर सब डिवीजन है। टैर ऑफ सीटा को डिस्कस करते हैं कि बेसिकली टैर ऑफ सीटा क्या है। उसके बाद फिर हमारे पास एक लास्ट सब डिवीजन बचेगी, और फैमिलीज। नाउ दिस चैप्टर इज टू बी फिनिश। फिर उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। रिकॉर्डिंग कब मिलेंगी? रिकॉर्डिंग में आज भी बारिश की वजह से सेंटर नहीं जा सका हूँ। जिस दिन सेंटर जाऊंगा, कल अगर मौसम सही रहा तो कल इंशाल्लाह ले आऊंगा और लेकर के आपको अपलोड कर दूंगा। और बाकी की रिकॉर्डिंग, जितनी प्रीवियस रिकॉर्डिंग है, आज सारी की सारी मैं डिलीट कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। इंग्लिश की, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की मैंने आपको 2-3 दिन पहले कहा था कि आप उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी चाहिए आपको मिल जाएगी। चलें जी, हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए, उसके पास सब डिवीजन है। सब डिवीजन आपके पास टेराप्सीडा। ओके फाइन। टेराप्सीडा या फिर फ्रन, इस डिवीजन का बड़ा फेमस प्लांट है फ्रन प्लांट। ठीक है। अच्छा देखिए, डिवीजन डिवीजन दिस डिवीजन कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ अ प्लांट। कॉमनली कॉमन प्लांट इसका क्या है? द कॉमन प्लांट, कॉमन प्लांट ऑफ दिस डिवीजन इस डिवीजन का जो कॉमन प्लांट है, फ्रंट प्लांट है। फ्रंट प्लांट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, दे वर्ल्ड वाइड इन दियर डिस्ट्रीब्यूशन, याद रखिएगा, दे वर्ल्ड वाइड इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन के पूरे वर्ल्ड के अंदर ये प्लांट पाया जाता है। दे ग्रो इन डिफरेंट हैबिटेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल्स देखें आपके पास एडेंटम प्लांट है, ठीक है, या फिर मर्जिनेटम प्लांट या वुडेसिया प्लांट। वुडेसिया के अलावा पॉलीपोडियम, एस्प्लीनियम, निडस, राइनेरिया। ठीक है, ये क्या है, इस सब डिवीजन के एग्जांपल्स हैं टेराप्सीडा की, कि कॉमन प्लांट फ्रन है, इसके अलावा एडियंट्रम है या फिर एमर्जिनेटियम है, वुडेसिया है, पॉलीडियम या फिर आपके पास एस्प्लीनियम, निडस, डाइनेरिया। दीज आर द कॉमन आपके पास क्या है, स्पीशीज ऑफ दिस डिवीजन। सम फ्रन इन वाटर, कुछ फ्रन जो है, मोनिका आ जाए, मैंने सिक्योरिटी को इनेबल किया हुआ है, कोई भी आ सकता है, इसलिए मेरा मीटिंग पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई आना चाहे या जाना चाहे अपनी मर्जी से आ और जा सकता है। अच्छा, सम फ्रन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सम फ्रन प्लांट ऑकर इन वाटर, कुछ फ्रन प्लांट कहाँ पाए जाते हैं, वाटर के अंदर पाए जाते हैं। अब वो फ्रन जो वाटर के अंदर पाए जाते हैं, उनके एग्जांपल्स अगर देखें आप, सेल्विने, ठीक है, सेल्वेनिया, एजोला, एजोला प्लांट, और पॉलीगोनियम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, पॉलीगोनियम प्लांट। ये वो प्लांट्स हैं टेराप्सीडा के जो किसमें पाए जाते हैं, वाटर के अंदर पाए जाते हैं, मरीन स्पीशीज हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब हम इसके थोड़े से जनरल कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करते हैं कि ये प्लांट था कैसा,
किस टाइप का था। ठीक, रिमूव कर रहा हूँ, जनरल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर जा रहे हैं इसके। देखें जनरल कैरेक्टरिस्टिक में पहला जनरल कैरेक्टरिस्टिक का है द प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ, अब तक तो रूट्स वेल डेवलप हो चुकी हैं, द प्लांट बॉडी कंसिस्ट करेगी किसके ऊपर, रूट्स पर, स्टेम एंड लीव्स, इनके ऊपर कंसिस्ट करेगी। अच्छा, इट इज स्पोरोफाइटिक इन नेचर, ये मेन प्लांट बॉडी इसकी क्या थी, स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक इन नेचर मतलब क्या हुआ कि देयर लाइफ साइकिल स्टार्ट फ्रॉम द स्पोरोफाइटिक स्टेज। सो द स्पोरोफाइटिक स्टेज इज अ डोमिनेंट इन टेरॉप्सिडा, देयर लाइफ साइकिल स्टार्ट फ्रॉम स्पोरोफाइट एंड एंड एट गैमेटोफाइट। ठीक है, और इसके साथ साथ द बॉडी इज डेप्लॉइड, इनकी बॉडी क्या थी, द बॉडी द स्पोरोफाइटिक, चले द स्पोरोफाइटिक प्लांट, प्लांट इज डेप्लॉइड, डेप्लॉइड होगा, आप जानते हैं जो डेप्लॉइड है मियोसिस करेगा और मियोसिस करके किसकी फॉर्मेशन करेगा, यानी कि हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद थर्ड पॉइंट, द लीव्स आर लार्ज इन साइज, इनके लीव साइज में लार्ज थे। देखें जो एक सिलसिला शुरू हुआ था ना, यानी कि सिलॉप्सीडा के बाद स्केल लाइक यानी कि लीव साइज थे, अब देखें वो कैसे हो गए साइज के अंदर, यहाँ तक पहुंच करके लार्ज हो गए लीव साइज के अंदर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि द लीव्स आर लार्जर इन साइज, लीव क्या थे, लार्जर थे साइज के अंदर। तो ऐसे लीव्स को हम किसका नाम दिया करते थे, कॉल्ड मेगा फाइल्स या मेगा फाइलस लीव, या फिर फ्रॉन्ट्स का नाम देते हैं, फ्रॉन्ट्स, एफ आर ओ एन डी, फ्रॉन्ट्स का जिक्र कहीं भी आ जाए तो आप समझ जाइएगा लार्ज लीफ की बात हो रही है, किसके लार्ज लीफ की बात हो रही है, टेरॉप्सिडा के लार्ज लीफ की बात हो रही है, या फिर उनको मेगाफाइल या मेगाफाइलस लीफ का नाम भी दिया जाता था। नेक्स्ट कैरेक्टर देखें, स्टेम जो है, स्टेम कंटेन यानी कि स्टेम की जो सबस्टीरियम होगा, मेन अटैचमेंट होगा स्टेम का, वो किसके साथ होगा, राइजोम के साथ, एट द लोअर साइड ऑफ स्टेम, राइजोम इज प्रेजेंट, लोअर साइड के ऊपर कौन प्रेजेंट है, राइजोम प्रेजेंट है, बट इन सम फ्रंट, ठीक है, इट इज एरियल एंड एरेक्ट, लेकिन कुछ फ्रंट्स के अंदर क्या होता है, बट इन सम फ्रंट प्लांट कुछ फ्रंट में क्या होता है, ये एरियल टाइप का होता है, ऊपर की तरफ निकला होता है। मैं डायग्राम में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कुछ फ्रंट के अंदर राइजोम एरियल ऊपर की तरफ होगा और एरेक्ट पार्ट एरियल पार्ट्स में होगा, एरेक्ट बिल्कुल सीधा होगा, डायग्राम के अंदर ड्रॉ करके आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, कि बास प्लांट के अंदर टेरॉप्सिडा के राइजोम अंडरग्राउंड होगा और बास प्लांट में अंडरग्राउंड से क्या हो रहा होगा, ऊपर की तरफ निकला हुआ होगा, बाहर की तरफ आ रहा होगा, बिल्कुल एरेक्ट खड़ा हो जाएगा नीचे सॉइल से निकल के। ठीक है, अच्छा जी, इसको रिमूव करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर जाएंगे, इसके नंबर फाइव। देखिए नंबर फाइव के ऊपर बात करें, ईच लीफ कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ईच लीफ consist of two parts, हर लीफ कितने parts के ऊपर consist करेगा, दो parts के ऊपर consist करेगा। ठीक है, अब उन दो parts के अंदर आपके पास कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो petiole and
ब्लेड, ठीक है, द पेटियोल इज कवर्ड विथ हेयर, पेटियोल कवर्ड विथ हेयर्स, पेटियोल किससे कवर्ड होगा, हेयर से कवर्ड होगा, ठीक है, कॉल्ड, उन हेयर्स को किसका नाम देंगे जिसे पेटियोल हमारे पास कवर्ड होगा, उसको हम नाम देंगे रेमेंटा। डायग्राम में मैं आपको शो कराऊंगा कि उनको हम किसका नाम देते हैं, रेमेंटा का नाम देते हैं, ठीक है। या फिर ये जो आपके पास यूं कह लें कि नेक्स्ट है हमारे पास, आप समझ गए होंगे कि ईच लीफ, हर लीफ कितने दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है, एक क्या होगा इनके पास, पेटियोल, ठीक है, एंड ब्लेड। पेटियोल जो है वो अटैच होगा किसके साथ में, यानी कि पेटियोल कवर्ड है इनका किसके साथ में, हेयर लाइक स्ट्रक्चर के साथ में, उसको हम किसका नाम देते हैं, रेमेंटा का नाम देते हैं। अगर चाहें तो उसको आप नाम दे सकते हैं किसका, रैचेस भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, ब्लेड आइदर सिंपल, ब्लेड लीफ को कहा जा रहा है, मार्जिन को, द ब्लेड इज आइदर सिंपल, ठीक है। एग्जांपल्स के अंदर देखें क्या आ जाएगा, ऑफ योर ग्लॉसम, ऑफ योर ग्लॉसम, या फिर पिनेट लीफ। पिनेट लीफ किसको कहते हैं, मैं आपको बताता हूं, पिनेटली लीफ, पिनेटली कंपाउंड, ठीक है, यानी कि पिनेटली कंपाउंड लीफ से मुराद क्या है, डिवाइडेड इंटू मैनी लीफलेट्स कॉल्ड पिने या फिर एंड पिन्यूल्स का नाम देंगे। अब पिने या पिन्यूल्स कैसे होंगे, पिने या पिन्यूल्स कैसे होंगे, सॉरी ये एल है, ठीक है। अच्छा जी, ये लिखे अब मैं डायग्राम के अंदर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है, ठीक है, डायग्राम में समझाता हूँ मैं अब आपको, ठीक है, मैं इसको रिमूव करने लगा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, डायग्राम इसकी कैसी होगी, थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिएगा कि अच्छा ये इनका क्या है, अंडरग्राउंड पार्ट, इस अंडरग्राउंड पार्ट को हम किसका नाम देंगे, राइजोम का नाम देंगे। राइजोम में देखें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं इनके ऊपर इस तरीके से, हेयर्स मौजूद हैं ऐसे, ये हेयर्स मौजूद हैं, ठीक है, ये है राइजोम, ठीक है। अब राइजोम के इधर से इस तरीके से अगर देखें, ठीक है, ये इनका एरियल पार्ट होगा, यहाँ पर
ऐसे देखें, ये लीव्स होंगे इनके इस तरीके से, लीव्स लीव्स थोड़ा सा ना एक दूसरे से अल्टरनेट कंडीशन में होंगे, कंप्लीटली अपोजिट नहीं होते, थोड़ा सा इस तरीके से लीव्स होंगे, ऐसे ये लीव्स होंगे, ठीक है। अब लीव्स के अंदर की तरफ ना इनके पास इस तरीके से स्पोरेंजिया मौजूद होंगे, तभी तो हमने इनको लीव्स को स्पोरोफाइलस या मेगाफाइलस का नाम भी दे सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये इनके लीव्स हैं, ठीक है, इस तरीके से इनको नाम देते हैं, किसका नाम देंगे, पने का नाम देंगे, ठीक है, पने टाइप लीफ है। फिर उसके बाद देखें यहां से ये जो जा रहा है इसका, ये क्या है, रैचेस, हेयर से कवर्ड होगा ये, ठीक है। और उसके बाद इनके अंदर जो यहाँ मौजूद हैं इनके स्पोरेंजिया, उन स्पोरेंजिया को सॉरी प्लूरल है और सॉरस क्या है, सिंगुलर है, सॉरी या सॉरस का नाम देंगे, सॉरी या सॉरस क्या है, स्पोरेंजिया है। और स्पोरेंजिया आप जानते हैं किसको कंटेन करेगा, स्पोर्स को कंटेन करेगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखें ये एरेक्ट, ये किस तरीके से एरेक्ट आपके पास कंडीशंस के अंदर क्या है, मौजूद है, ठीक, राइजोम का कुछ पार्ट ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक। तो ये तो इनके क्या थे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक थे। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बाद इनका लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा इजी है इसका, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। अब मैं लाइफ साइकिल से पहले मैं आपको इस प्रोफाइल के अंदर यानी कि इस लीफ के अंदर स्पोरेंजिया को शो करके दिखाता हूँ कि स्पोरेंजिया होगा किस तरीके से, आप देखिएगा। मैं इस डायग्राम को रिमूव कर रहा हूँ, रिमूव करके नेक्स्ट डायग्राम की तरफ चलते हैं। रैचेस, यस, अच्छा जी, देखिएगा गौर से, ये किस तरीके से एक लीफ बना के उसके अंदर मैं आपको शो करवाऊंगा स्पोरेंजिया के, स्पोरेंजिया किस तरीके से होगा। यस 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 मानन, देखें, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से एक लेयर होगी कवर्ड, आप जानते हैं कौन सी लेयर है, ये क्यूटिकल लेयर होगी, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर इस तरीके से आप देखेंगे स्पंजी पैरेन्काइमा, स्पंजी पैरेन्काइमा सेल्स होंगे, जिसको एरेन्काइमा भी कहा जाता है, स्पंजी लाइक, ऐसे स्पंजी पैरेन्काइमा इस तरीके से ना स्पंजी टाइप है थोड़ा सा, इस तरीके से। फिर यहां पर एंडिंग करेगा, एंडिंग होगी इनकी, और से देखिएगा इस डायग्राम को, अच्छा, उसके बाद देखिएगा कि ना
अच्छा, लीव्स के अंदर की तरफ से आप देखेंगे। देखें, ये है आपके पास, या फिर इस तरीके से ये। एंडिंग के ऊपर ये डायग्राम अपने, ये देखें इस तरीके से। ये आपके पास, इनके पास जो आ रहे हैं इस तरीके से, सबसे पहले तो ये है लीफ, ठीक है। अच्छा, लीफ के बाद अगर इधर देखेंगे आप, ये आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहे हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये आपको कुछ नजर आ रहे हैं, ये क्या है, यंग स्पोरेंजियम। यंग स्पोरेंजियम, ठीक है। और ये भी क्या है, जो छोटे बनाए मैंने साइज के अंदर, वो भी क्या है, यंग स्पोरेंजियम है। यंग स्पोरेंजियम, ठीक है। और इनके अंदर ये जो आपको नजर आ रहा है, सॉरी या सॉरस को मैंने कहा ना, स्पोरेंजियम का नाम दे सकते हैं आप। अब देखें ये जो है आपके पास, ये दो लेयर से कवर्ड होंगे, ये स्पोरेंजियम या सॉरी या सॉरस, दो लेयर से कवर्ड होंगे। इनकी ये जो अंदर वाली आउटर लेयर है, आउटर लेयर, इस आउटर लेयर को, सॉरी जो इनके अंदर की तरफ है, ठीक है ना, उसको आप नाम दे देंगे किसका, एनुलस का नाम देंगे, एनुलस का। और जो ये वाली आउटर लेयर है, इसको स्टॉमियम का नाम देंगे, क्योंकि जो सॉरी या सॉरस है, दो लेयर से कवर्ड होता है। एक आउटर लेयर होती है, और ये या आपके पास मीजोफिल सेल, यानी कि मीजोफाइलस, ठीक है, यानी कि लीफ है, उसकी डायग्राम है, क्योंकि इनके जो यानी कि स्पोरेंजिया हैं, वो लीव्स के अंदर होते हैं। तो लीव्स के अंदर मैंने इसमें स्पोरेंजिया को मेंशन किया, शो कराया, लीव का इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीव ड्रॉ किया। उसके अंदर मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया। इनके अंदर जो स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया है, उसको नाम देते हैं किसका, सॉरी का। मैंने आपको पहले भी पीछे बताया कि सॉरी का मतलब क्या है, स्पोरेंजियम, ठीक है। सॉरी या सारस, सॉरी पिलुलर है, बहुत सारे स्पोरेंजियम, देखिए ये सारे सॉरी है, ठीक है। और सारस क्या है, इसका सिंगुलर है। अब देखिए ये स्पोरेंजियम इनका दो लेयर से कवर्ड होता है, एक आउटर लेयर, देखिए ये नजर आ रही है आउटर लेयर, बाहर वाली लेयर, इस बाहर वाली लेयर को तो हमने स्टॉमियम का नाम दिया, और ये एक अंदर वाली लेयर नजर आ रही है, ये वाली, ये अंदर वाली लेयर, इसको हम किसका नाम दे रहे हैं, एनुलस का नाम दे रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनके पास अंदर की तरफ, अंदर की तरफ अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से, या फिर यहाँ पर इस तरीके से, या फिर यहाँ पर इस तरीके से, ये कुछ इनके क्या है, इनको मैं यहाँ शो करता हूँ, वाटर ग्लैंड्स, वाटर ग्लैंड्स, ठीक है। अब देखें इनके जो स्पोर्स हैं, नॉन मोटाइल हैं, तो नॉन मोटाइल स्पोर्स से गैमेट्स में कन्वर्ट होंगे, गैमेटोफाइट बनेंगे, और उन गैमेटोफाइट से जो गैमेट्स रिलीज होंगे, वो भी क्या होंगे, गैमेट्स आपके पास नॉन मोटाइल। तो हाउ दे ट्रांसफर टूवर्ड्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो फिर ये ट्रांसफर कैसे होंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ। तो देखें इनके अंदर जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, बेसिकली वो जो है एक ही प्लांट के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर, एक ही प्लांट के अंदर मौजूद होगा। ऊपर की तरफ आर्चिगोनिया होगा, और नीचे की तरफ कौन मौजूद होगा, एंथ्रिडिया मौजूद होगा। यानी कि ये क्या है, मोनोशियस, एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक साथ होंगे। तो प्लांट मोनोशियस, दोनों एक साथ है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो उसको आप किसका नाम देंगे, बाइसेक्सुअल का नाम देंगे।
अब क्या होगा कि स्पोर्ट्स बनेंगे, स्पोर्ट्स से फिर गैमेटोफाइट बनेंगे, गैमेटोफाइट से क्या रिलीज होंगे, गैमेट्स। अब वो गैमेट्स क्या है, नॉन मोटाइल। तो हाउ मेल गैमेट्स ट्रांसफर टूवर्ड्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कि कैसे मेल गैमेट्स जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनिया तक पहुंचेंगे। तो उन मेल गैमेट्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनिया तक पहुंचाने के लिए इन्होंने अपने अंदर किसको कंटेन कर रखा है, यानी कि वाटर ग्लैंड्स को। देखें, एक वाटर ग्लैंड्स ये रहा, एक वाटर ग्लैंड्स ये रहा, इस तरीके से एक वाटर ग्लैंड्स ये होगा, एक वाटर ग्लैंड्स ये होगा। इन वाटर ग्लैंड से क्या होगा, वाटर रिलीज होगा, और वाटर की वजह से वहां पे एक स्लिमी, आपके पास क्या है, स्लिपरी टाइप की एक लेयर सरफेस डेवलप हो जाएगी। उस स्लिपरी सरफेस से क्या होगा कि मेल गैमेट स्लिप होगा, और स्लिप होके कहां पहुंचेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर चला जाएगा। और जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर पहुंच गया तो वहां जाकर के ये क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। इनके फ्यूज होने से जायगोट बनेगी, और फिर जायगोट जो है वो डेवलप हो जाएगी किसके अंदर, यंग प्लांट्स के अंदर, न्यू प्लांट्स के अंदर। और आप जानते हैं कि न्यू प्लांट्स कौन सा बनेगा, अब जो न्यू प्लांट्स इनके अंदर बनेगा वो क्या होगा, स्पोरोफाइटिक प्लांट होगा। सॉरस के अंदर होते हैं डेवलप स्पोरिंजिया, नहीं सुने मेरी बात को, सॉरी, मैं इस डायग्राम को, अच्छा इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट लें, मैं आपको साफ करके दिखाता हूँ, बना के दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, मैं बताता हूँ असल में, आप समझ नहीं पा रहे मेरी बात को, रिमूव कर रहा हूँ इसको, स्क्रीनशॉट ले लें अगर लेना चाह रहे, देखें देखें, ये मैंने आपको एक देखिए, ये है एक सारस सिंगुलर है, सॉरी एक ज्यादा होते पीछे से, पीछे ज्यादा थे तो हमने नाम दे दिया था सॉरी का। ये क्या है, स्पोरेंजियम, इसको आप स्पोरेंजियम का नाम दे सकते हैं। कहाँ होगा, लीव्स के अंदर, लीव्स के अंदर कैसे होगा, देखें ये मैंने बताया था ना लीफ, इस तरीके से प्लेट टाइप, देखें ये रहा, ये है, ये है, इस तरीके से, इस तरीके से आप देखें, ये रहा लीफ से बाहर निकाला। तो इन लीफ को किसका नाम देंगे, इन लीफ को नाम देंगे स्पोरो फाइलस लीफ, या मेगा स्पोरोफाइलस लीफ, या मेगा फाइलस लीफ, या फिर मेगा फाइलस लीफ का नाम देंगे। आप क्यों नाम दे रहे हैं, बिकॉज दे कंटेन स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम को किसका नाम दे रहे हैं, सॉरी या सारस का नाम दे रहे हैं। अब ये जो सॉरी या सारस है, ये कितनी लेयर से बना है, दो लेयर से बना है। मैंने कहा कि इसकी ये जो आउटर लेयर है स्टोमियम है, और ये जो अंदर वाली लेयर है इसकी, इसको किसका नाम दिया, एनुलस का नाम दिया, ठीक है। इसके अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, और जब स्पोर्स राइपेंड हो जाएंगे, मैच्योर हो जाना मतलब राइपेंड हो जाना, तैयार हो जाना, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउन कलर हो जाएगा, ब्राउन। और ब्राउन कलर होने के बाद ये क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, और जब ये भ्रष्ट होगा तो इससे क्या रिलीज होंगे, इससे बहुत सारे यानी के माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजियम रिलीज होंगे। फिर वो माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजियम क्या करेंगे, माइटोसिस, और माइटोसिस करने के बाद फिर किसके अंदर डेवलप हो जाएंगे, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट में। सारी सारस के अंदर, सारस के अंदर होते हैं डेवलप स्पोरेंजिया। अजी आप चाहें देखिए मेरी बात सुने, सारी या सारस ही को हम किसका नाम दे रहे हैं, स्पोरेंजिया का नाम दे रहे हैं। बुक के अंदर जो डायग्राम इसके लाइफ साइकिल के मौजूद है, फ्रंट के अगर आप उस डायग्राम को देखें तो वहां पे सारी या सारस मौजूद है, और फिर दूसरी डायग्राम आप देखेंगे राउंडेड फॉर्म के अंदर, तो वहां से सारी या सारस क्या है, भ्रष्ट होता हुआ दिख रहा है, और उसके अंदर से बहुत सारे क्या रिलीज हो रहे हैं, स्पोर्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। तो स्पोरेंजियम जो है बेसिकली, जिसको आप नाम दे रहे हैं स्पोरेंजियम का, मैंने कहा कि सारी या जो सारस है, आप इसको चाहें तो स्पोरेंजियम का नाम दे सकते हैं, चाहे तो आप इसको दे सकते हैं स्पोरेंजियम का नाम, क्योंकि इसके अंदर वो बॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं, जो किसकी, इसके अंदर वो बॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं जो किसकी फॉर्मेशन कर रही हैं, आपके पास स्पोर्स की फॉर्मेशन कर रही हैं, या फिर स्पोरेंजियम की फॉर्मेशन कर रही हैं, ठीक है। अच्छा,
उसके बाद मेरे ख्याल में अब क्लियर हो जाना चाहिए आपके माइंड के अंदर के बेसिकली ये क्या था। तो देखिए लीव्स के अंदर क्या है आपके पास, सारी या सारस, उनके अंदर क्या बन रहे हैं स्पोर्ट्स या स्पोरेंजिया क्या दें उसको, ठीक है। अब उन स्पोर्ट्स क्या, वो स्पोर्ट्स क्या है, वो स्पोर्ट्स मियोसिस के थ्रू बनेंगे। और ये सॉरी और सारस जो है मैंने कहा कि थिक लेयर से बना होता है, एक आउटर है और दूसरी इनर है, ठीक है। आउटर को आप किसका नाम दे रहे हैं, आउटर आपके पास क्या कहला रही है स्टामियम, और इनर आपके पास क्या है एनुलस कहला रही है। तो इनके अंदर भी क्या होगा, इनके अंदर भी जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस होगा, क्योंकि इनका जो लाइफ साइकिल है टेराफसीडा का वो भी क्लासिफाई किया गया है कितनी स्टेजेस के अंदर, दो स्टेजेस के अंदर। पहली स्टेज इनकी कौन सी है, पहली स्टेज इनकी होगी स्पोरोफाइट और दूसरी स्टेज इनकी क्या होगी आपके पास गैमेटोफाइट होगी, ठीक है। तो स्पोरोफाइटिक स्टेज के अंदर आप सब जानते हैं, आप तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। यानी कि शो द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो सबसे पहले हम इसका डिस्कस कर लेते हैं कौन सा स्पोरोफाइटिक स्टेज के, इसकी स्पोरोफाइटिक स्टेज में क्या होगा। बहुत सिंपल है, आप सब जानते हैं, अब इतनी हम डिविजन पढ़ चुके हैं यहाँ तक तो आपको अंदाजा हो गया होगा। स्पोरोफाइटिक स्टेज में क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं तो ये क्या है, इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है ये, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इन दिस स्टेज मैच्योर लीफ, इस स्टेज में क्या होगा, इन दिस स्टेज मैच्योर लीव्स स्पोरोफाइल जो कि स्पोर्स को कंटेन करेंगे, स्पोरोफाइल्स प्रोड्यूस स्मॉल रेडिश ब्राउन बॉडीज कॉल्ड, क्या नाम देंगे, मैंने कहा था क्या नाम देंगे उसको, हम रेडिश ब्राउन बॉडी को किसका नाम दे रहे हैं, यस राइट सॉरी, ठीक है। सॉरी आर द, सॉरी बेसिकली क्या है, सॉरी आर द ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, ग्रुप है किसका स्पोरेंजिया का। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, ईच स्पोरेंजियम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, या पढ़ चुके हैं फंजाई के अंदर, ब्रायोफाइट में भी बताया था, कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करेंगे, या स्टॉक, स्टॉक को किसका नाम देंगे, स्टॉक कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर, 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 स्पोरेंजियो मतलब स्पोरेंजियम, फोर का मतलब क्या, स्टॉक, वो स्टॉक जिसके ऊपर कौन प्रोड्यूस होगा, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होगा। तो दो पार्ट्स के ऊपर, इस स्पोरेंजियम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, अ स्टॉक कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर एंड आपके पास दूसरा क्या कहलाएगा, दूसरा कहलाएगा कैप्सूल, ठीक है, उसे क्या कहलाएगा कैप्सूल। कैप्सूल, ठीक है। अच्छा अब कैप्सूल ना कहें तो आप इसको नाम दे दें किसका, सॉरी या सारस का नाम दे दें, ठीक है, इसको सॉरी या सारस का नाम दे दें, चलें कैप्सूल की जगह सॉरी का वर्ड यूज कर लें। और इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर स्पोरेंजियम मौजूद होंगे, ठीक है। अच्छा मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, आगे फिर चलते हैं इसकी तरफ कि वॉल ऑफ कैप्सूल द वॉल ऑफ कैप्सूल हैज टू पार्ट्स, थिन हैज टू पार्ट्स, a thin wall
इनवॉल्व पार्ट जो कि आपके पास आउटर होगा कॉल्ड